जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 सुरेंद्र पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले चरण में राज्य के 138 प्रखंडों के 1617 पैक्सों में चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन शुरू होगा। 13 नवंबर तक नामांकन होगा। 11 से 13 नवंबर तक होगा पहले चरण का नामांकन, 26 नवंबर को मतदान। दानापुर प्रखंड के 8 पंचायतों में होने वाले प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए 3 व सदस्य के लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मंगलवार की सुबह से प्रखंड के कार्यालय में नामांकन को लेकर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को भीड़ जुटने लगी रही। मुबारकपुर रघुरामपुर पंचायत से निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान। अब दोबारा जनता के बीच आएंगे हम, उसके बाद जितना जो छूटा हुआ काम है उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा, और आगे जो हमारे बीच के जनता होंगे उनका जो काम बच गया है उसको मैं पूरा करने का बहुत पुरजोर कोशिश करूंगा। जमसौत पंचायत से जगमाया देवी व गंगहरा पंचायत से अनिल कुमार शर्मा ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया है। सदस्य पद के जमसौत से 7, सरारी से 2, मुबारकपुर रघुरामपुर से 12, गंगरा से 1 व पतलापुर से 1 प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है, जबकि मानस व कोथवा पंचायत से 1 भी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। बीडीओ विभेश आनंद ने बताया कि नामांकन के दूसरे दिन पैक्स अध्यक्ष के लिए कुल 3 प्रत्याशी व सदस्य के लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पटना के दुल्हिन बाजार, दानापुर, नौबतपुर, पटना सदर, पुनपुन, फुलवारी शरीफ, पालीगंज, मसौढ़ी प्रखंडों के पैक्सों में चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल किया जाएगा। नॉमिनेशन कुल जो है 12 पदों के लिए हो रहा है, अध्यक्ष सहित बाकी कुल सदस्य 8 पंचायतों में 8 पैक्स में। क्या व्यवस्था रहेगी? नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 4 हमारे उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं और 4 लोगों के द्वारा 2-2 पंचायत का नॉमिनेशन लिया जा रहा है, कुल 8 पंचायत का। इस तरह से हम लोग बांटे हैं और उसी हिसाब से सभी का नामांकन लिया जाएगा। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।